हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने की बात की थी और डिस्कस भी किया कि हम किस तरह से मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने वहां पर एक पॉइंट छोड़ा था जहां पर मैंने आपको कहा था जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की सीरीज में मैं आपको बताने जा रही हूँ आज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। और उससे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी वीडियो में हम रोल ऑफ क्रायोलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल छोड़कर लगभग पेपर में आता है कि क्यों क्रायोलाइट को एल्यूमिना में ऐड किया जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहां पहले हम बात करते हैं, अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं, मैंने ऑलरेडी ऑपरेटर्स जो है यहां पर जो डायग्राम है वो बना रखा आपका टाइम बचाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, पहली बात हम करते हैं कि जो मोल्टन एल्यूमिना है, मोल्टन एल्यूमिना हमें पता है मोल्टन एल्यूमिना हमें कहां से ऑब्टेंड हुआ, हमने लीचिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, वहां पर हमें एल्यूमिना मिल गया था। मोल्टन एल्यूमिना इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए क्या किया जाता है? सो क्रायोलाइट और फ्लोरस्पर, दोनों के फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूं। क्रायोलाइट जो है इसका फॉर्मूला है Na3AlF6, जब मैंने आपको ओर्स करवाए थे तब भी वहां पर बताया था। फ्लोरस्पर जो है कैल्शियम फ्लोराइड है। अब यहां जो है मैंने अभी आपको बोला कि यहां से क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि व्हाई दे आर एडेड टू देम, क्यों उसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऐड किया गया। तो इसका रीजन क्या है? ये जो क्रायोलाइट है, एक्चुअल में जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज वेरी हाई। जो हमने एल्यूमिना की बात की, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा है, लगभग 2345 केल्विन के अप्रोक्स है ये टेम्परेचर। जब हम इसमें क्रायोलाइट या फ्लोरस्पर ऐड कर देते हैं तो ये क्या करता है? इट डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना कितना कर देता है ये? 1173 केल्विन के अप्रोक्स जो है, यानी 900 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स जो ये टेम्परेचर को ले आता है, इतना रिड्यूस कर देता है। देखिए आप, हाफ का फर्क आ गया। एक तो काम ये हुआ कि हमें इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी बात क्या हुई कि ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मोल्टन एल्यूमिना। तो हमारा एक क्वेश्चन तो यहां से तैयार होता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक क्वेश्चन यहां से हमारा जनरेट हुआ और ये कंप्लीट हुआ। अब होता क्या है, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस की, वो कैसे की जाती है? This process is carried out in a tank made up of iron with carbon lining। ये जो है ये टैंक है, इसमें क्या है, ये हमारे पास आयरन टैंक है जिसमें कार्बन लाइनिंग है ये, और ये हमारे पास क्या आ गया, आयरन टैंक विच एक्ट एज कैथोड। ये जो है ये कैथोड की तरह एक्ट करता है, एंड अ नंबर ऑफ कार्बन रॉड्स विच एक्ट एज एनोड। और ये हमने कार्बन रॉड्स दिखा रखे हैं, क्या ले रखे हैं हमने, कार्बन रॉड्स हैं, और ये कार्बन रॉड्स क्या हैं, ये एनोड की तरह, ये एनोड आ गया और हमारे पास जो ये आ गया ये पोर्शन, ये कैथोड का आ गया। दीज कार्बन रॉड्स एनोड आर डिप्ड इन
आर डिप्ड इन मोल्टन क्रायोलाइट, मोल्टन एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट. क्रायोलाइट की जगह हम कैल्शियम फ्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सेम काम करेगा. तो यानी ये जो रॉड्स हैं इसमें डिप कर रखी हैं, यहां पे हमारे पास मिक्सचर है एल्यूमिनियम मोल्टन एल्यूमिना का और साथ में क्रायोलाइट का यहां पर हमारे पास मिक्सचर है. अब होगा क्या, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, तो क्या होगा यहां पर एल्यूमिनियम, यहां पर जो एल्यूमिना है एक्चुअल में जो Al2O3 है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या होगा, ये आयोनाइज होगा, Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव बनाएगा. Al3 पॉजिटिव जो है वो कहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वो कैथोड पर इकट्ठा होगा, और जो O2 नेगेटिव है वो एनोड पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा. अब जब O2 नेगेटिव एनोड पर जाएगा तो एनोड पर है हमारे पास कार्बन रॉड. ध्यान से समझो इसे, क्या होगा जब ऑक्सीजन जो है वो लिब्रेट करेगा एनोड की तरफ तो क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो है वो कार्बन रॉड है, वो ऑक्सीजन कार्बन रॉड को क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा एंड इट विल बी लिब्रेटेड ऑफ. तो यहां पर अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन यहां पर क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और कार्बन के साथ इलेक्ट्रोलिसिस की है. नॉर्मली कार्बन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं किया जा सकता जस्ट बाय हीटिंग, तो यहां पर क्या बना देगा, ये एल्यूमिनियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा. अब जब आप इसे बैलेंस करोगे तो यहां दो आ जाएगा, यहां पे चार आ जाएगा और फिर यहां पर तीन कार्बन, तो यहां पर तीन कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा. सिंपल है. तो अब इस प्रोसेस को हम कैथोड और एनोड पर क्या होगा वो देखते हैं. कैथोड पर क्या होगा, कैथोड और एनोड की प्रोसेसेस अगर हम मेंशन करें क्योंकि पेपर में पूछी जाती है वो, तो वहां पर क्या हो रहा है, अब ये प्रोसेस चल रही है. कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पे हमें पता है कैथोड जो है वो हमारा जो कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसके ऊपर केटायन जाता है. केटायन हमारे पास क्या है, Al3 पॉजिटिव. कैथोड पर क्या होती है, कैथोड पर होती है रिडक्शन. तो ये क्या करेगा, Al3 पॉजिटिव तीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एल्यूमिनियम जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी कलेक्टेड एट कैथोड, इट स्टार्ट्स कलेक्टिंग एट कैथोड. और अभी एनोड पर क्या होगा ये रिएक्शन, एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड पर क्या होता है, कार्बन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड O2 नेगेटिव के साथ, और दो इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर रिलीज करेगा. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फर्दर दो O2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और चार इलेक्ट्रॉन बना देगा. ये ऑक्सीजन कहां पर आई, जो एनोड पर लिब्रेट होने की कोशिश कर रही थी और एनोड जो है वो कार्बन का बना हुआ था, तो ये क्या करेगा, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा. यहां पर एक चीज और बात करें अगर हम, तो यहां पर मैंने लिया है पाउडर्ड कोक. अब इस पाउडर्ड कोक का क्या रोल है, ये पाउडर्ड कोक जो है इसने कवर कर रखा है इस पूरे अपरेटस में, ये जो हमने मिक्सर ले रखा है इसके ऊपर क्या है, स्प्रेड कर रखा है पाउडर्ड कोक. तो ये क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट दी ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा एंड लॉस ऑफ हीट. जब ये प्रोसेस होगी उस टाइम पे जो हीट इवॉल्व होगी उसकी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमने यहां पर क्या किया है, यहां पे पाउडर्ड कोक जो है इस पूरे अपरेटस के ऊपर, जो पूरा हमने मिक्सर लिया उसके ऊपर पाउडर्ड कोक हमने ऐड किया है. अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम तो कहां पर आ गया, कैथोड पे आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास इट विल बी लिब्रेटेड ऑफ. अगर हम ध्यान दें तो यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में जो एल्यूमिनियम है ये तो यहां से एल्यूमिनियम जो है यहां पर ये जो एल्यूमिना था ये यहां पर हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम आएगा ये क्या होगा हैवियर होगा, तो ये यहां से एल्यूमिनियम आउटलेट बना हुआ है. एल्यूमिनियम आउटलेट यानी यहां से हम जो हमारा मोल्टन एल्यूमिनियम है यहां से कलेक्ट कर लेंगे, यहां से ये आ जाएगा. और जो एल्यूमिनियम तो हमारे पास आ गया, अब बात क्या आती है कि जो द एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये ध्यान देने वाली बात है कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम अबाउट 0.5 किलोग्राम ऑफ
कार्बन गेट इग्नाइटेड या बर्न हो जाता है, बर्न। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये चला गया। तो ये जो है इसलिए क्या जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम, सो वी हैव टू चेंज दीज कार्बन रॉड्स, दीज कार्बन रॉड्स पीरियोडिकली, थोड़ी थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम। क्या करेंगे हम, क्योंकि एक किलो एल्युमिनियम को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो लगभग हाफ केजी ऑफ कार्बन, ये जो कार्बन रॉड्स थी ये क्या होती है, बर्न हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। तो क्या होगा पूरी प्रोसेस में, कि हमें जो ये रॉड्स हमने ली है ये पीरियोडिकली जो है वो हमें टाइम टू टाइम इन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा, इस प्रोसेस का जो फेमस नेम है वो मैंने यहां मेंशन कर दिया, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के नाम से जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम के नाम से पूछा जाता है। ये पूरे अपरेटस में मैं अगर आपको दोबारा से इसको रिवाइव एक्सप्लेन करूं तो क्या है, पूरा अपरेटस जो है वो आयरन का बना हुआ है जिसमें कार्बन लाइनिंग है, विच एक्ट एज कैथोड, और एनोड के तौर पे हमने नंबर ऑफ कार्बन रॉड्स ली हैं जो एनोड की तरह एक्ट करेगी, और यहां पर हमने पाउडर्ड कोक जो है इसके ऊपर स्प्रेड किया हुआ है। ये पाउडर्ड कोक जो है इसका रोल मैंने लिख दिया कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को, लॉस ऑफ हीट जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको यहां से करेगा। जब पूरी प्रोसेस होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो ये जो एल्युमिना है इट विल गेट ऑक्सीडाइज होकर एल्युमिनियम कैथोड पर जाना शुरू हो जाएगा, और जो O2 नेगेटिव जो एनोड पर आया था वो क्या होगा, वो एनोड की इन कार्बन रॉड्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में ये कार्बन रॉड जो है ये कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हमें इन कार्बन रॉड्स को टाइम टू टाइम जो है वो अलग करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने रोल ऑफ क्रायोलाइट और फ्लोट्स पर को भी एक्सप्लेन किया कि क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है एल्युमिना का बहुत ज्यादा है, वो इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो फ्यूज्ड एल्युमिना होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।